बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है अरवी चटखारा मसाला, जो कि बहुत ही डिलिशियस बनती है और बहुत ही आसान है बनाने में। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाती है। आप लोग रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इंग्रेडिएंट्स मैंने कैप्शन में भी डाल दिए हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे। इंग्रेडिएंट्स पूरे करने के बाद हम चलते हैं अपनी रेसिपी की कुकिंग की तरफ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं। मैंने क्वांटिटी इसकी मेंशन कर दी है। आधा कप ऑयल लेंगे, आधा कप ऑयल में डालें प्याज, उसको हल्का गोल्डन कर लें, उसमें डालें जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसको अच्छी तरह से भून लें। प्याज हमारी जैसे ही गोल्डन हो जाती है, लहसुन उसके अंदर फ्राई हो जाता है, तो इसमें आप शामिल कर देंगे जो हमारा टमाटर का पेस्ट हमने रखा हुआ है। उसको शामिल करने के बाद हम जितने भी हमारे ड्राई मसाले हैं, लाल मिर्च, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक के बाद इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, उसके बाद इसमें जाएगा धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद आप चम्मच अच्छे से हिला लें और मसाले को बिल्कुल अच्छे तरह से फ्राई करें ताकि इसका ऑयल अलग हो जाए। ऑयल हमारा अलग हो चुका है, अब हम शामिल कर देंगे इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें, उनको अच्छी तरह से भून लेंगे। हरी मिर्चें अगर आप ज़्यादा चटखारा चाहते हैं तो स्टेट करके भी इनको डाल सकते हैं, मैंने भी स्टेट करके ही डाली हैं। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, अब इसमें शामिल करेंगे हम अरवी। अरवी को आप पकाने से पहले अगर छील कर चुटकी भर हल्दी लगा कर रख दें तो आपकी अरवी बहुत जल्दी गल भी जाएगी और उसका जो वो लेस ख़त्म हो जाती है, उससे बहुत ज़बरदस्त बनती है ये। ये एक छोटी सी टिप है अरवी पकाने के लिए, आप लोगों से जो मैंने शेयर करनी थी। और ये हमारी अरवी जो है अच्छी तरह से भुन गई है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर हमारा 3 से 4 कप पानी, ताकि हमारी अरवी मज़ीद अच्छे से गल जाए। पानी मैंने शामिल कर दिया है और इसको अब हम लिड कवर करके पका लेंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट्स के बाद आप देखें कि हमारी अरवी भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और मसाला हमारा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। यहाँ पर आप इसमें शामिल करें धनिया और गार्निश करें धनिया के साथ और इसको अच्छी तरह से पकाएं। सर्व करने से पहले एक बार अरवी को आप ज़रूर चेक कर लें कि वो पूरी तरह से गल चुकी है या नहीं। और आप लोग देख सकते हैं झटपट चटखारा अरवी की कितनी ज़बरदस्त है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।